दिस इज पंकज कुमार, वेलकम टू बोलचाल चैनल। स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन इन कंप्यूटर। 10+2 कंप्यूटर के सिलेबस में इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन हमेशा पूछा जाता है स्टूडेंट C++ में। इसे जानने के लिए कुछ चीज़ें आप लोगों को एट फर्स्ट जानना है, वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लिसन दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन में स्टूडेंट कुछ चीज़ें जो आपको जानना है वो हैं ऑपरेंड, ऑपरेटर, स्टैक, कॉलम, ऑल दिस थिंग्स। यहाँ जो ऑपरेंड हैं, ऑपरेंड जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं, लाइक ए बी सी डी ई एंड सो ऑन। ऑपरेटर जो होते हैं वो प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, ऑब्लिक या डिवाइड भी बोल सकते हो, कैरेट, ब्रेस, ये सब ऑपरेटर हैं। ये जो ऑपरेटर होते हैं स्टूडेंट, ये प्रायोरिटी बेस्ड होते हैं, यानी जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उनको पहले लिखते हैं और जिनकी प्रायोरिटी कम है उनको बैकअप करते हैं। ये आपको एक एग्जांपल्स की मदद से मैं नीचे बताऊँगा। इतना आपको याद रखना है कि कोई भी दो ऑपरेटर जो सेम प्रायोरिटी की होती है कैन प्लेस और टुगेदर इन द स्टैक कॉलम, कैन नॉट प्लेस। कोई भी दो ऑपरेटर को हम लोग एक ही जगह प्लेस नहीं कर सकते किसी एक स्टैक कॉलम में। फिर से समझिए, नो टू ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रायोरिटी कैन प्लेस और स्टे टुगेदर इन द स्टैक कॉलम। यहाँ पे देखिए मैंने नीचे लिखा है, इसके पहले ये कैरेट सिंबल है, इसके पहले आप ब्रेस भी होता है। देखिए ये जो सिंबल होता है, ये जो ब्रैकेट है उसको ब्रेस बोलते हैं। ब्रेस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, आफ्टर दैट एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, देन माइनस, इस तरह से प्रायोरिटी होती है। ब्रेस अगर नहीं है तो आप एस्ट्रिक की प्रायोरिटी ज़्यादा मानोगे, और एस्ट्रिक और डिवाइड जो भी है ये दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, वैसे ही प्लस और माइनस की प्रायोरिटी सेम होती है। बट प्लस और माइनस से ज़्यादा प्रायोरिटी होती है एस्ट्रिक एंड डिवाइड की, एस्ट्रिक या डिवाइड से ज़्यादा की प्रायोरिटी होती है ब्रेस या कैरेट सिंबल की, ये आपको याद रखना है। सो स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट देखिए मैंने एग्जांपल लिया है, ए प्लस बी, पहले ब्रैकेट है, देखिए ब्रैकेट ए प्लस बी ऑब्लिक सी, फिर ये एस्ट्रिक है, सॉरी ये एस्ट्रिक है, ब्रेस डी प्लस ई देन क्लोज। अब इसको हम लोगों को इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इनफिक्स है आपके पास, इसे पोस्टफिक्स कन्वर्जन में कैसे कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल आप अंडरस्टैंड करो। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इसको देखिए, पहले ब्रेस है, आप यहाँ पे सिंबल में लिखिएगा ब्रेस, लिख लिया आपने। स्टैक में सिर्फ आप याद रखिएगा, स्टैक में सिर्फ ऑपरेंड को लिखा जाता है, ऑपरेटर को लिखा जाता है, ऑपरेंड जो है वो पोस्टफिक्स में चला जाता है। तो चूंकि यहाँ स्टैक में अभी कुछ नहीं है तो आप सिंपली लिख लीजिए ऑपरेटर, ब्रेस को ले दीजिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखते रहिए, एकदम एक एक वर्ड बाय वर्ड मैच कीजिए, क्लियर हो जाएगा। ब्रेस को मैंने लिखा, स्टैक में ऑपरेटर को लिखा, पोस्टफिक्स में कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट मेरे पास ए है, मैं यहाँ ए को लिखा, करेक्ट, चूंकि यहाँ तो स्टैक वही है, सेम उतार सकते हो, स्टैक वही रहेगा, और पोस्टफिक्स में आप ए को डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्लस ऑपरेटर है, आप प्लस को लिखेंगे, सिंबल में आपने प्लस को दिया, तो आपका स्टैक में क्या आ जाएगा, पहले था ब्रेस, उसके बाद आपका आ जाएगा प्लस, करेक्ट स्टूडेंट। और ए तो भाई सिंपल है, इसको आप लिख भी सकते हो या सिंपली ऐसा ही रहने दो, लिख भी सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आपका है प्लस के बाद, देखिए आपके पास बी है, आप बी डालिए, फिर ऑपरेटर तो सेम ही, मतलब स्टैक में सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो आपको इसी तरह से लिखना है। एंड देन ये जो कॉलम है ये आपका ए और बी एक साथ हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, देखिए बी के बाद ऑब्लिक है, मींस डिवाइड है, आप डिवाइड का सिंबल दीजिए, पहले आप सिंबल दीजिए, फिर स्टैक में आप आ जाइए, ब्रेस दिया आपने, प्लस दिया और ऑब्लिक दे दिया। इस ऑब्लिक में यहाँ पे आप सेम लिख भी सकते हो या छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट कॉलम में आपके नेक्स्ट जो है आपके पास ऑब्लिक के बाद आपके पास सी है, आप लेटर सी को आराम से लिखिए, फिर आपके पास यहाँ पर सेम ऑपरेटर रहेगा, ब्रेस रहेगा, प्लस रहेगा और ऑब्लिक रहेगा। यहाँ पर आपके पास ए बी सी आ जाएगा क्योंकि आपका सी आ गया ऑपरेंड में, ओके।
तो ये आपका नीचे है, मैंने ऊपर लिख दिया, थोड़ा सा ऊपर नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे ही लिखिएगा, इसके लाइन पे ही आइएगा, ए बी सी लिखिएगा। नेक्स्ट आ गया सी के बाद, देखिए क्या है, एस्ट्रिक सिंबल है, तो आप एस्ट्रिक सिंबल को लिखिए, मल्टीप्लाई सिंबल एस्ट्रिक बोलते हैं इसको, इसको इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक सिंबल जब आप आया तो आपने ब्रेस का साइन दिया, प्लस लिखा, लेकिन अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया था रूल, कि कोई भी दो ऑपरेटर्स एक साथ सेम प्रायोरिटी के नहीं होगी, क्योंकि एस्ट्रिक और ये ऑब्लिक दोनों सेम प्रायोरिटी है, देखिए एस्ट्रिक और ये ऑब्लिक दोनों सेम प्रायोरिटी वाली है, इसीलिए सॉरी जो पहले आपका ऑब्लिक आया था, आई मीन डिवाइड आया था, डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम ऑपरेटर होता है ना, इसीलिए आप इसको पॉप कर दोगे, ये पॉप होकर के कहाँ चला जाएगा, पोस्ट फिक्स के पास चला जाएगा, और इसके बदले में ये पॉप तो उस साइड चला जाएगा, बट जो एस्ट्रिक है वो आपके पास यहाँ रह जाएगा। यानी आप इसको कैसे लिखोगे, लिखोगे ए बी सी, और ये पॉप होके कहाँ चला गया स्टूडेंट, सी के बगल में। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है देखिए, ब्रेस, तो फिर ब्रेस को आप डालिए, ब्रेस को डालने पर ऑपरेंड के पास तो ब्रेस रहेगा, ठीक है, ये ब्रेस रहेगा, ये ओपन ब्रेस है, इसलिए सिंपल इसको लिख भी सकते हो और नहीं तो छोड़ भी सकते हो, अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो ए बी सी ऑब्लिक, अदरवाइज आप ऑपरेटर के समय नहीं भी लिखोगे चलेगा। नेक्स्ट है डी, देख लीजिए ब्रेस के बाद डी है, डी लिखा मैंने, और अब यहां पर जो ऑपरेटर था सेम एज यूजल उतारिए, क्योंकि अभी ये क्लोज नहीं हो रहा, अभी ओपन है, ओके, क्लोज होने पर हट जाता है, तो इसको आप आराम से लिखोगे ए बी सी ऑब्लिक के बाद डी आ गया आपके पास, करेक्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है डी के बाद आपके पास क्या, देखिए प्लस है, तो आप प्लस को लिखिए, यहां पे फिर ऑपरेटर को डालिए, स्टैक में डालिए, प्लस है, एस्ट्रिक है, ब्रेस है, और फिर प्लस है, आपने ऑपरेटर को डाल दिया, अब ये लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ जाओ। प्लस के बाद क्या है, देखिए ई है, आप इसको ई लिखिए, आपने सिंबल में ई लिखा, अब इस चीज़ को फिर से सेम एज यूजल उतार लीजिए, एस्ट्रिक, ब्रेस ओपन, प्लस, एंड देन यहाँ पर अब आपको ऑपरेंट को लिखना पड़ेगा ए बी सी ऑब्लिक डी और उसके बगल में ई। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, ब्रेस, यानी क्लोज ब्रेस है, आप क्लोज ब्रेस दोगे, जैसे ही क्लोज ब्रेस दोगे तो एस्ट्रिक प्लस, ब्रेस हुआ प्लस एस्ट्रिक सिंबल, बट इसमें क्या हुआ, आपका जैसे ही क्लोज होगा तो ये सिंबल कट जाएगा, ये सिंबल क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा स्टूडेंट, यानी आपका लास्ट जो पोस्टफिक्स होगा वो इस तरह से होगा ए बी सी ऑब्लिक डी ई, और वो जो ब्रैकेट के अंदर था स्टूडेंट वो प्लस, वो नेक्स्ट सिंबल में ये कट होकर के यहाँ आ जाएगा। सो स्टूडेंट इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट, आई मीन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। फिर से समझिए, क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा, ए प्लस बी ऑब्लिक सी एस्ट्रिक सी प्लस डी, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, जो भी क्वेश्चन आएगा आप पहले उसको तीन कॉलम में डिवाइड कीजिए, सिंबल स्टैक एंड पोस्टफिक्स। सिंबल में स्टार्ट कीजिए, देखिए यहाँ पे जैसे ब्रेस से स्टार्ट, ब्रेस से स्टार्ट किया मैंने, याद रखिएगा प्रायोरिटी, ब्रेस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर एस्ट्रिक और ऑब्लिक यानी डिवाइड की प्रायोरिटी होती है, फिर प्लस और माइनस की होती है, ये दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, ये दोनों की भी प्रायोरिटी सेम होती है, और सेम प्रायोरिटी वाले एक साथ नहीं रखते हैं, उनको पॉप आउट करके पोस्टफिक्स में चला जाता है। मैंने इसको लिखा, फिर स्टैक में सिर्फ ऑपरेंड को लिखा जाता है स्टूडेंट, और ऑपरेटर को, और पोस्टफिक्स में ऑपरेंड को, चूंकि फर्स्ट टाइम में ऑपरेंड नहीं था इसलिए ब्लैंक रहेगा। फिर ए लिखा मैंने, तो उसको स्टैक के बगल में आप इस ऑपरेटर को डालिए और ए को लिखिए। फिर प्लस था, देखिए प्लस था, प्लस को मैंने लिखा, ऑपरेटर को मैंने यहाँ स्टैक में डाला प्लस के साथ, उसके बाद ए लिख सकते हो या फिर ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ोगे बी में। जैसे ही आपने प्लस के बाद बी लिखा तो ब्रेस प्लस और ए बी एक साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑब्लिक है, ऑब्लिक डाला, ब्रेस डाला, प्लस ऑब्लिक साइन दिया, और इस बार ऑपरेंट को आप छोड़ भी सकते हो, नहीं तो ए बी सी लिख सकते हो। जैसे ही सी लिखोगे तो सी के साथ आप ए बी सी डाल देना। फिर नेक्स्ट क्या है, एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक को लिखा आपने, फिर ब्रेस को लिखा, प्लस किया, एस्ट्रिक डाला, और उसके बाद चूंकि एस्ट्रिक और ऑब्लिक, देखिए एस्ट्रिक और ऑब्लिक दोनों एक ही प्रायोरिटी की, सेम प्रायोरिटी की है, रूल क्या है कि कोई भी दो ऑपरेटर जो सेम प्रायोरिटी की होती है उसको प्लेस एक साथ नहीं कर सकते, तो हम पहले जो हमारे पास ऑब्लिक था, चूंकि एस्ट्रिक के पहले ऑब्लिक था, इसलिए ऑब्लिक को पॉप आउट करके
एबीसी के पास ले जाएंगे और स्ट्रिक यहाँ रह जाएगा। नेक्स्ट फिर ओपन ब्रेस है, ओपन ब्रेस को लिखेंगे एबीसी के साथ लिखेंगे। फिर डी है, देख लीजिए डी है तो डी को आप लिखेंगे सेम ऑब्लिक के बाद लिखेंगे। फिर प्लस ऑपरेटर है, उसको ऑपरेटर को डालोगे लेकिन लेकिन जैसे ही कोई ब्रेस के बाद अगर ओपन ब्रेस के बाद क्लोज ब्रेस आता है तो उसके अंदर का जो साइन होता है वो पॉप आउट होकर के लास्ट की ऑर्डर में चले जाता है यानी पोस्टफिक्स की ओर आ जाता है। तो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। यहाँ नीचे कुछ सम्स हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो वन और टू टाइम्स यू जस्ट वॉच लिसन केयरफुली देन ऑफकोर्स यू कैन अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल दिस। थैंक यू।